ओरिजिनल इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। जबलपुर संस्कार धानी में जहां मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह आयोजन किसान बिल के समर्थन में और उनके लाभों से किसानों को जागरूक करना, इसके साथ साथ देश नहीं पूरे विश्व में जो अन्नदाता के परिवार किसानों के परिवार रह रहे हैं उनके द्वारा इस किसान बिल का बहिष्कार किया गया है, जिसे वर्तमान सरकार उन किसानों को ना समझ मान रही है। साथ ही किसानों का कहना है जो वर्तमान में खरीदी मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, इसके एवज में व्यापारियों द्वारा हमारा मक्का और धान औने पौने भाव में खरीद रहे हैं, जिससे हमें आर्थिक हानि हो रही है। लेकिन इसके एवज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह बोला गया कि अब आपका जो अनाज है वह अच्छे दामों में और देश के किसी भी बाजार में और किसी भी मात्रा में खरीदा जा सकता है, आपके द्वारा भेजा जा सकता है, आपके लिए पूरा बाजार खुला हुआ है। बोल इंडिया न्यूज के लिए जबलपुर से राधेश्याम काकोड़िया की रिपोर्ट। जिस पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि यह बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है और किसान इस बिल के माध्यम से अपनी फसल को व्यापारियों को बेच सकते हैं, जितना चाहे उतना बेच सकते हैं, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न चिन्ह यह खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जो अभी मक्का का दाम है 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए जो मक्का का दाम चल रहा है, यदि समर्थन मूल्य यदि सरकार का समर्थन मूल्य मिलता तो यही मक्का जो है 18 रुपए 19 रुपए 20 रुपए 22 रुपए तक बिकता, लेकिन किसानों का जो वर्तमान जो मूल्य है वह 10 रुपए तक चला गया और इसके साथ साथ धान की भी खरीदी नहीं हो रही है। कैमरामैन पंचू मरावी के साथ में बोल इंडिया न्यूज जबलपुर।